नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि इन दिनों शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत चढ़ाने से शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और वही कुछ चीजें भगवान शिव को अर्पित करने की मनाही है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से भगवान शंकर नाराज होते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं क्या है ये चीजें जिनको चढ़ाने से शंकर भगवान नाराज होते हैं, जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने से होता है अशुभ। सबसे पहले है दोस्तों हल्दी। दोस्तों, कई पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है पर शिव पूजन में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पौरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसादन का सामान माना जाता है। दोस्तों, हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। और इसके साथ साथ भगवान शिव को हल्दी अर्पित करने से हमारा चंद्रमा भी कमजोर होता है, तो इसलिए आप कभी भी शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग ना करें, हल्दी कभी भी ना चढ़ाएं। और इसके बाद दोस्तों कुमकुम या सिंदूर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं और वहीं कुछ लोग इसे भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में ये करने की बिल्कुल मनाही है क्योंकि शिव पुराण में भगवान शिव को विनाशक बताया गया है और यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। तो इसीलिए आप भूल कर भी कभी भी भगवान शिव को कुमकुम या सिंदूर ना चढ़ाएं, कभी भी कुमकुम या सिंदूर से भगवान शिव की पूजा अर्चना ना करें। और इसके बाद दोस्तों तुलसी के पत्ते। दोस्तों, पवित्र तुलसी का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है, हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है, बिल्कुल मनाही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने देव किए गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। यही कारण है दोस्तों शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। और इसके बाद दोस्तों लाल या केतकी के फूल। दोस्तों, महादेव की पूजा में लाल फूल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। एक कथा के अनुसार झूठ बोलने पर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप देते हुए कहा था कि शिवलिंग पर या शिव जी की पूजा में कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों केतकी के फूल कभी भी भगवान शिव की पूजा में ना चढ़ाएं। और इसके बाद दोस्तों नारियल पानी। नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इससे शिव जी का अभिषेक बिल्कुल भी ना करें। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, इसलिए भी भगवान शिव पर नारियल का जल चढ़ाना मनाही है। और इसके बाद दोस्तों शंख। दोस्तों, भगवान शिव ने शंखचूड नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा तो शंख से की जाती है लेकिन भगवान शिव की नहीं। भगवान शिव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 6 चीजें जो हमें भगवान शिव शंकर पर नहीं चढ़ानी चाहिए या फिर शिवलिंग की पूजा में हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भूल कर भी आप इन्हें कभी ना चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार ये बिल्कुल साफ लिखा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।